मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से बच्चों के लिए न्यूट्रिशन तो यहाँ पे आ रही है, काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन बच्चों को दी जाती है, मगर जिस तरह से पहले न्यूट्रिशन आती थी बच्चों को सारी चीज़ें दी जाती थी उसी तरह से वापस देनी चाहिए, क्योंकि खाली चावल जो बच्चों को आज यहाँ पे दिए जा रहे हैं इससे गुजारा नहीं होता, क्योंकि अगर बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वाकई में देनी है तो सरकार को अच्छी तरह से देनी चाहिए। बाकी हमारे जितने भी वर्कर हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर पीछे से फंड ही नहीं आएगा तो वो आगे क्या देंगे, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम फंड मुहैया कराए और अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे वही हैं जो हमारे आने वाला कल का भविष्य हैं। थैंक यू। जो न्यूट्रिशन बांटी जा रही है वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी के हमारे कौंसलर पुष्पेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में, मैं कहता हूं कि ये मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि ये जो न्यूट्रिशन बांटी जा रही है अच्छी बात है, मगर खाली राइस से काम नहीं चलेगा, इसमें दाल होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, मिर्च मसाले होने चाहिए, फिर बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, खाली चावल से क्या होगा। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डी साहब हमारे बहुत अच्छे होनेस्ट डी सी है नज़ीर शेख जी से अपील करता हूँ कि ये अपनी बात हमारी बात ऊपर पहुँचाए और बच्चों को सेंटर से जो इनको राशन मिल रहा है उसमें हमारी बात जो ऊपर पहुँचाए। तो मैं इस पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये पकड़ो, ठीक है, रखिए 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 कि सोशल वेलफेयर विभाग के द्वारा हर वार्ड में, चाहे वो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल हो चाहे वो पंचायत हो, वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं ताकि छोटे बच्चों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको, एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको, या तीन महीने से लेकर छः महीने तक बेटा बच्चा है, या 6 महीने से लेकर 3 साल तक जो बच्चा है उनको न्यूट्रिशन दी जाती है। जो मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 11 में, आज हमारे बीच में हमारे रजिंदर जी हैं, हमारे अमित शर्मा जी हैं, सचिन जी हैं, अमित गुप्ता जी हैं, हमारे प्रीतम जी हैं, हमारी सुपरवाइजर अंजू जी हैं, अपनी हमारी रंजू जी हैं जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और हमारे गणमान्य काफ़ी यहाँ पर बच्चे भी हैं और माताएं बहनें भी हैं। तो ये जो सेंटर खोले गए हैं, जितने भी हमारे वार्ड के बच्चे हैं उनको चलना सिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पर उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें विश्वास है कि जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जिसमें हमारी स्टाफ मेंबर्स हैं ICTS के, वो एक मेहनत और लगन से काम करते हैं, और ये जो ड्राई न्यूट्रिशन का जो काम है, ये लगभग जब से ये हमारी COVID-19 पैंडेमिक है, लॉकडाउन हुआ है या जो भी है, तब से लेकर आज तक ड्राई न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से यहाँ पर केवल बच्चों को राइस दिए जाते हैं। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि लगभग जो ये चावल यहाँ पर दिए गए हैं इससे काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन दी जाती थी, मतलब और भी सामग्री दी जाती थी जिसमें हमारा ऑयल होता था, लून मर्च होता था, और भी आटा होता था, और भी बिस्किट्स होते थे, वो भी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि केवल दाल होती थी, केवल चावल से हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, मैं एक बार दोबारा जो हमारे बीच में हमारे मुख्य वार्ड के निवासी आए हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका आभारी हूँ कि जो मेहनत और लगन से ये यहाँ के सेंटर्स को चलाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आगे भी इसी तरह ये मेहनत करेंगे, और मुझे ये भी विश्वास है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जल्द से जल्द ये जो सामग्री दी जा रही है इस पर विचार करेगी और ज़्यादा सामग्री देने का पूरा प्रयास करेगी। कितने क्लास के?